हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ हिमालय साइंस की तरफ से आ जाती है ब्राइटनिंग वाइटमिन सी सीरम। तो इसके बारे में कम्प्लीटली रिव्यू करेंगे। अभी ये सीरम कैसी है, इसको यूज़ करना चाहिए, किस वजह से यूज़ करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स रहेंगे, किस वजह से देखने को मिलेंगे, ये आपकी स्किन को ब्राइटन कर सकती है या नहीं कर सकती। अभी क्या हो रहा है कि सभी कंपनीज जैसे कि वाइटमिन सी सीरम लॉन्च कर रही है, कुछ काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप बन रखी है कि वाइटमिन सी से आप गोरे हो जाओगे, ब्राइटन स्किन हो जाएगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। ये एक्चुअल में भी है कि वाइटमिन सी के साथ में आपको एक अच्छी स्किन देखने को मिल जाती है, ब्राइटन स्किन देखने को, रिंकल्स, एजिंग फ्री स्किन देखने को मिल जाती है और डार्क स्पॉट्स वगैरह भी लाइटन हो जाते हैं। तो ये सीरम कहाँ तक काम करेगी कंप्लीटली बताऊंगा, इसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले हिमालय की विटामिन सी सीरम के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस आपको 214 रुपीज़ या 250 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है 15 ml की अगर क्वांटिटी लेते हो। अगर आप लोगे जैसे कि 30 ml की क्वांटिटी तो उसका प्राइस आपको 400 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। सभी सीरम का लगभग सेम प्राइस ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, 400 रुपीज़ के आसपास आपको जैसे कि 30 ml की पैकिंग देखने को मिल जाती है, कुछ 450, 500, 600 या इससे ऊपर भी जाती हैं, बट इसके आसपास आपको बहुत सी सीरम्स देखने को मिल जाती है 400 रुपीज़ के बजट के अंदर। अब इसके मेन मतलब इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, इन्होंने बताया कि 5x में इसके अंदर आपको विटामिन सी देखने को मिल जाता है, नायासिनामाइड आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि हेलुरोनिक एसिड भी डाला गया। नायासिनामाइड इसके अंदर जैसे कि 10x बताया गया, ठीक है, और हेलुरोनिक एसिड इसके अंदर बताया गया आपको दिया गया। अब विटामिन सी की बात कर लेते हैं, ये क्या काम करता है, ये कैसे हेल्प करेगा आपकी स्किन को ब्राइटन करने में। देखो इसके अंदर जैसे कि विटामिन सी ऑरेंज के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया गया, ये चीज़ बताई गई है। तो अब हो सकता है किसी को ऑरेंज से एलर्जी वगैरह रहे, स्किन पे सूट नहीं करता या ये सब चीज़ें रहती है, तो उनको जैसे कि सूट भी नहीं करेगी ये सीरम, तो ये चीज़ भी हो सकती है, बहुत रेयर केस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा वैसा कुछ है तो आप इसको यूज़ मत करना। अब देखो इसके अंदर जैसे कि विटामिन सी दिया गया, विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और साथ में अगर आपकी स्किन को ब्राइटन करना है उसमें काफ़ी अच्छे से हेल्प कर देगा, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करना है, सन टैन आ गया आपकी स्किन पे उसको लाइटन करने का काफ़ी अच्छे से काम करता है, कोलेजन को बूस्ट करने का काम करेगा जिससे आपकी स्किन पे रिंकल्स, एजिंग, पिगमेंटेशन वगैरह, झाइयाँ वगैरह हो रही हैं आपकी स्किन पे उसको सही करने में हेल्प करता है। रिंकल्स वगैरह, एजिंग वगैरह बोला जाए तो जैसे कि एज होने के बाद आपकी स्किन डल पड़ने लग जाती है उस चीज़ को सही करने में हेल्प करता है। डल का मीन्स बोला जाए कि आपकी स्किन पे सिल्वर्ट आने लग जाती है, जैसे यहाँ से स्किन अब मेरी खिंची खिंची स्किन है यानी कि टाइटन स्किन है वो नहीं रहती, जैसे यहाँ पे आपके निशान बनने लग जाते हैं आइज़ के पास में और माथे पे जैसे कि सिल्वर्ट आने लग जाती है, तो वो चीज़ ये सही करने में हेल्प करती है। और आपकी स्किन पे जैसे कि एक्ने जाने के बाद डार्क स्पॉट्स रह गए उसको लाइटन करने में हेल्प करेगा, तो ये काम रहता है विटामिन सी का, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं नायासिनामाइड की, तो वो क्या काम करता है, ये आपकी स्किन से ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपकी स्पॉट्स को टाइटन करने में हेल्प करता है, यानी कि आपकी स्किन के जो भी पोर्स रहते हैं जैसे कि स्किन को क्लोजली देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जो कि कुछ तो विजिबल्स रहते हैं कुछ विजिबल्स नहीं भी रहते, अगर आप क्लोज मिरर में जाकर देखोगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हैं, उनके अंदर से आपको बेबी थिन हेयर्स भी देखने को मिल जाते हैं, तो वो पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है जिसके कारण क्या है कि आपके बाद में एक्ने ना होना या डर्ट वगैरह पोर्स में जाकर बैठना वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण क्या अगेन से आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह भी नहीं होते, ऑयल को कंट्रोल करने का काम करेगा ये, तो काफ़ी बेस्ट रहता है। ये आपके स्किन को लाइटन करने में भी हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने में भी हेल्प करता है, जो कि दी बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। नायासिनामाइड भी इसके अंदर दिया गया जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपकी स्किन के ऊपर, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी अलग से सीरम भी आती है नायासिनामाइड की, ठीक है, बहुत सी कंपनीज बनाती है सीरम्स आती है, तो आप दोनों अलग अलग यूज़ करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, इसमें आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छे से वर्क कर जाएंगी। और इसके अंदर आपको हेलुरोनिक एसिड देखने को मिल जाता है, ये क्या काम करता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चर बनाए रखेगा, ड्राई फील नहीं करवाएगा और एक सॉफ्ट ग्लोइंग लुक दे देगा। तो ओवरऑल बात की जाए ये पिगमेंटेशन रिमूव करेगी सीरम, ठीक है, और आपकी स्किन को ग्लोइंग दिखाएगी, पिगमेंटेशन वगैरह और ये डार्क स्पॉट्स वगैरह हो रहे हैं उनको सही करने में हेल्प करता है। नायासिनामाइड रेडनेस को भी कम करता है, तो इसलिए दी बेस्ट रहने वाला है ये ऑल ओवर आपकी स्किन की प्रॉब्लम के लिए। बस एक्ने वगैरह अगर आपको हो रहे हैं तो वहाँ पर ये सीरम आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे कि आप सोचो कि इसको यूज़ करने से आपके एक्ने चले जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपने एक्ने रिमूव करने चाहिए, उसके बाद आप ऐसी सीरम्स की तरफ जा सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सीरम्स वगैरह वर्क नहीं करती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन पहले से फॉलो कर रहे हो और साथ में आप ये सीरम यूज़ करोगे तो आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप लगा रहे हो इसको, आपकी तेलिया स्किन हो जा रही है, ठीक है, और धूप में घूम रहे हो और फिर सोच रहे हो मेरी स्किन ब्राइटन नहीं हो रही, तो वो कोई भी सीरम यूज़ कर लो, चाहे लाख रुपये लगा कर कोई सीरम ले लो, तो अभी
भी आपको रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपका स्किन केयर रूटीन अच्छा है तो आप ये सीरम्स वगैरह यूज ना करो तो भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ रहती है, अब कंप्लीटली इसका बता दिया किस वजह से ये रहती है। अब इन्होंने बोला आप इसको 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, आप दोनों टाइम भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और 1 टाइम यूज़ करना चाहते हो तो ओनली नाइट में यूज़ करना दी बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी दिन में यूज़ करनी है, यूज़ करने के बाद आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई कर लेना। किस वजह से इसको यूज़ करना है, फेस को सबसे पहले गीला कर लिया, फेस वॉश कर लिया, उसके बाद में अच्छे से फेस वॉश करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, अपने फेस को अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आप 3 ड्रॉप लोगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, देन इसको अच्छे से मसल दोगे पूरे फेस पे। आप यहाँ पे लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसके साथ में। तो कम्प्लीटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। बॉयज़ वगैरह इस वजह से 3 ड्रॉप लगा लेंगे, गर्ल्स इसकी 4 से 5 ड्रॉप भी ले सकती हैं, बिकॉज हमारा ये एरिया रह जाता है बॉयज़ का, तो गर्ल्स यहाँ पे भी यूज़ करना चाहे, नेक पे यूज़ करना चाहे तो कर सकती हैं। तो ये चीज़ रहेगी, इस वजह से आपको यूज़ करना है। इन्होंने बोला कि 3 दिन के अंदर आपको आपकी स्किन ब्राइटन दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आपको लगने लग जाएगा कि आपकी स्किन ब्राइटन होने लगी है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। देखो अगर आपके कोई कट्स वगैरह लग रखे हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ करने से जलन वगैरह होगी तो वहाँ पे बिल्कुल यूज़ मत करना, और इसको जैसे कि जितना बोला है उतना यूज़ करो, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ मत करना। अगर आपको इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट से एलर्जिक रहती है या आपको सूट नहीं करती ये सीरम, इरिटेशन, रेडनेस होने लग जाती है, तो आप इस सीरम को यूज़ नहीं करोगे। तो बस इतना सही था कि अगर आपको कोई भी इरिटेशन, इचिंग वगैरह, कुछ भी रेडनेस देखने को मिले तो यूज़ नहीं करनी, बट ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत रेयर केस में अगर किसी पर्सन को देखने को मिल जाती है तो मत यूज़ करना। एक्ने प्रोन स्किन हो रही है, मतलब एक्ने वगैरह आपकी स्किन पर हो रखे हैं, ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तब भी आप इसको यूज़ मत करना। सबसे पहले उनको आपको क्लियर करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, देन आप इसकी तरफ जा सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।